हमारे जमीर भाई है जिनको प्यार से जम्मू भाई बोलते हैं, संजरी गोट फार्म मापोली भिवंडी वाड़ा रोड पे जो संजरी गोट फार्म है ये उसके उनके ओनर है। यहाँ पे ये भी खरीदी के लिए आया अलहमदिल्ला। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और गरीब भाई? बस बस बढ़िया। क्या बोलते जम्मू भाई? बस राजस्थान। क्या शॉप पे अपना खरीदी के लिए आए अपन? हाँ, वो तो अपना लगे रहता है। बकरा ईद जाती है तो राजस्थान की याद पहले पहले आ जाती है कि बहुत दिन हुआ चलो जाएंगे। एक्चुअली राजस्थान के लिए भी, राजस्थान से भी आदमी इतना अटैच्ड है कि मतलब रुक नहीं पाता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। प्लस देखो भाई, बकरेबाज वाले नहीं रुक पाते, नहीं रुक पाते, उनको चाहिए अपने फार्म पे वो बा चिल्लम चिल्ली ट्रेडिंग ये वो लगता ही है भाई। क्या रहने के बावजूद भी अपने को नया कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए ही है, क्या आते रहना चाहिए। अच्छा, अभी शफीक भाई से तो कल भी मुलाकात हुई, तुम आपसे कुछ दूसरे डिफरेंट सवाल करता हूँ मैं। मुंबई के अंदर लोगों का रुझान किस तरफ है, परचेसिंग में क्या है, लोगों का ध्यान क्या चल रहा है अभी? तो फिलहाल के लिए अभी एक दो महीना तो बहुत अच्छा रुझान चल रहा है, परचेसिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत फॉर्म में चल रही है, बहुत फॉर्म में। अभी एक महीना चलेगा अभी, क्योंकि देखो बकरीद में तो मुंबई के सारे माल खत्म हो गया था। और अभी जितने भी पालने वाले है जो लेने वाले तो अभी वो भाग ही रहे, तो अपने लोग को भी भागना पड़ेगा। जब वो भागे तो अपने लोग अपने भी भागना पड़ेगा। सही है, अपन चुपचाप नहीं बैठ सकते। चुपचाप बैठे तो बैठे रह जाओ। बैठे साल का इंतजार करो। अपने यहाँ पे पलाई वलाई पे कुछ बकरे आए फार्म पर? चालू है अभी। हाँ, पलाई पे बकरे आ गए और भी अभी चालू है। और अभी नया सेटअप भी बना रहा हूँ अंडू लोग का, कुछ सिस्टम भी बना रहा हूँ और केचेस। पिछले साल से ये साल में क्या ग्रोथ है अपने फार्म पर बकरों में? बहुत चेंज है भाई। वो तो है, लेकिन पलाई वलाई बकरे कुछ आए? अभी आए है ना बकरे, 35-40 बकरे आ गए। अच्छा, स्टार्टिंग में ही आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास है नहीं, कम थे बकरे, अभी जो फार्म पे थे ऑलरेडी वही ले लेके आप अभी लाई तो रख दिए। सही है, सही है। अभी यहाँ से नया बकरे लेके जाऊँ? अभी आपको बकरे लेने आए हो कि बच्चे लेने आए हो? मैं दोनों लेने आया हूँ, बच्चे भी लेने आया हूँ और बकरे बड़े भी लेने आया हूँ। तो इंशाल्लाह संजरी गोट फार्म की परचेज भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बम्बई में जाने के बाद हमारे जो संजरी गोट फार्म वाले हैं माशाल्लाह, हर किसी का वेलकम है इनके फार्म पर। तो इंशाल्लाह किसी ना किसी चैनल पे आपको इनकी वीडियो, मेरे चैनल या आसिम भाई या किसी भी भाई के चैनल पे आपको मिल जाएगी इनके बकरों की बच्चों की अपडेट। और हमारी फलोदी की अपडेट तो एमएस की हुई रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो परचेसिंग अपनी जो हो रही है वो हम लोग सरप्राइजिंग ही रखते हैं, वो एंड मोमेंट पे जब फलोदी माल पहुंच जाएगा तब अपन दिखाएंगे कि क्या खरीदी हुई है, बेटर रहेगा। सही है। सो ये एक छोटा सा गेट टुगेदर यहाँ पे अचानक हो गया। हम लोग लक्ष्मी होटल में रुके तो जम्मू भाई सुबह सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ मिल गए, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा मोटा वीडियो कवर कर लेते हैं साथ में। तो जम्मू भाई, अगर अभी आप कितने दिन के ट्रिप पे हो यहाँ पर? कुछ बोल नहीं सकते भाई, 10-15-20 दिन भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 10-15-20 दिन भी लंबी ट्रिप है? मूड तो हम लोग भी वही बना के आए थे इंशाल्लाह। देखो जल्द से जल्द काम होएगा तो जल्दी से जल्द रवाना भी होएंगे। मेरा काम था ऐसा, मेरे को अभी सब ढूंढ के मैं यहाँ से काफी लंबे लंबे पे भी जाऊंगा मैं। अच्छा। अभी सीकर भी जाऊंगा। अच्छा। और यहाँ से काफी दूर भी जाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसके वजह से मेरा टूर बहुत लंबा रहेगा, यहाँ से अभी मेरे को सूरत भी जाना है। अच्छा, तो आज आपका क्या प्लानिंग है? आज तो अभी बस आराम का प्लानिंग है। आज पूरा दिन घर रूम पे ही रहने वाला? दोपहर बाद से लिख लूंगा बाहर इंशाल्लाह। अभी तो फिलहाल 2-3 घंटा आराम करूंगा। टारगेट क्या है, कितने बकरे और बच्चे खरीदने का टारगेट है? 150-200 बकरे का टारगेट है। अच्छा, 2 गाड़ी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया। सो हम लोग एक ही होटल में है इंशाल्लाह, फिर रात में मुलाकात होगी। अभी हम लोग अपनी हंटिंग पे निकलते, आप अपनी हंटिंग पे निकलो, जो भी अपडेट रहेगी अपन इंशाल्लाह जब तक साथ में एक वीडियो अपन रोज एक डेली अपडेट देते रहेंगे लोगों को, ताकि लोगों को भी कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट मिलता रहे, है ना। सो ये वीडियो क्लोज करता हूँ और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।